फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, अभी हमारा रिसेंटली CUSET 2019 MSc मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस बताऊंगा, क्या कट ऑफ रहेगी बताऊंगा, और जो भी हमारे डाउटफुल क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और CUSET में जो भी हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, वहाँ कुछ कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से बिहेव होता है, उस बारे में भी थोड़ा बहुत आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँ, तो इस बार का पेपर, हमारा स्कोरिंग पेपर, मैं बोलूँ कि पिछले 5 सालों में इस बार सबसे ईजीएस्ट पेपर पूछा गया है। अब फ्रेंड्स, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए, और फ्रेंड्स अगर मैं खुश होकर बोलूँ तो हमारे मैथमेटिकल पाठशाला पर जितनी भी वीडियोस क्रैश कोर्स में अपलोड हुई हैं, अगर वो वीडियोस सीरियसली फॉलो की हैं किसी ने, तो इसका सिंगल क्वेश्चन वो गलत नहीं कर सकता। अब फ्रेंड्स, कट ऑफ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ में इस बार 75 मार्क्स जो है आपका, उसमें से जनरल के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर MSc मैथमेटिक्स कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कितना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको CUSET का सिस्टम समझाता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, बिकॉज यहाँ का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है वो बेस्ट है स्टडीज़ के लिए। तो यानी कि फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की MSc की कट ऑफ अलग होती है और इंटीग्रेटेड MSc BEd की कट ऑफ अलग होती है। जो आपका इंटीग्रेटेड MSc BEd है, इसकी कट ऑफ इससे थोड़ी सी कम होती है, और अदर्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, हरियाणा या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कट ऑफ के बारे में भी मैं बताऊँगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान MSc की जो पिछली बार कट ऑफ थी वो रही थी अबाउट 55 या फिर 56 मार्क्स, एंड दिस टाइम आई एम सेइंग कट ऑफ इज 60+ मार्क्स। तो यानी कि अगर आपके 60+ बन रहे हैं तब आप श्योर हो जाइए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन अब नहीं रोक सकता कोई। बट फ्रेंड, 60 से अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार प्रॉब्लम हो जाए। और फ्रेंड, जब भी वो लिस्ट आएगी हमारी रिजल्ट वाली, तो उसके अंदर हो सकता है कि इस बार जो टॉपर्स के मार्क्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखें, बट आप उसको देखकर घबराएं नहीं और काउंसलिंग जरूर भरें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही एग्ज़ाम देते हैं जिन्हें एडमिशन नहीं लेना होता, तो अगर वो टॉप करते हैं तो जब काउंसलिंग होती है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते। तो अगर किसी की काउंसलिंग में 100 रैंक है या फिर 150 रैंक है तो वो भी काउंसलिंग ज़रूर भरे, लास्ट में एक स्पोर्ट राउंड भी होता है तो वहाँ भी उसे जगह मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारी MSc की, और MSc BEd की भी मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस बार ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 58+। और उसके बाद अदर्स में फ्रेंड्स कट ऑफ वेरी करेगी, तो अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करूं तो वहाँ आपका 45+ और अदर्स यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आप 45-50+ मान के चलो। अब मैं बात करूं OBC की, तो OBC और जनरल यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो यहाँ आप मान लो 59+ और MSc BEd वाले कोर्स के लिए 57+ और अदर्स के लिए आप यहाँ मान सकते हो फ्रेंड्स 44+। अब मैं बात करूं ST एंड SC की कट ऑफ, तो इस बार ST एंड SC की कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, तो ये हमारी रहेगी फ्रेंड्स इस बार 49+। और अगर मैं इस वाले कोर्स की बात करूं तो 45+, अगर मैं अदर्स की बात करूं तो 40+। तो ये मैंने आपको कट ऑफ का रफ आइडिया दे दिया फ्रेंड्स, कि यानी कि इतने पर आप सिक्योर हो सकते हो। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू +5, यानी कि आपका हो सकता है +5 का डिफरेंस आ जाए, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डाउटफुल क्वेश्चंस की, तो डाउटफुल क्वेश्चंस यानी कि सबसे पहले तो आप फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इवन परम्यूटेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा था, तो इसमें देखते हैं कि वो सबको मार्क्स देते हैं या फिर किस तरीके से मार्किंग करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल के बारे में कई केसेस में ये पाथ डिपेंडेंट होता है, कई में पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो हम श्योर नहीं होते। बट ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और उन्होंने आंसर की में सी ऑप्शन दिया था, और क्लेम करने के बाद भी उन्होंने चेंज नहीं किया था, तो इस बार देखते हैं कि क्या होता है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद बाकी पूरा पेपर ईजी था फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है।
हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 59, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं सेट बी के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में सेट बी है। तो ये तो बात हुई हमारी एनालिसिस की, कट ऑफ की। हाँ, अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और बात बता रहा था सेंटर पर। फ्रेंड्स कई जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरे पास कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था कि उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम लिखा था 8:30, और 8:30 पर जब स्टूडेंट्स एंटर हो रहे थे तो कई सेंटर्स पर फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल है तो उन्हें पहले तो बहुत लंबी लाइन में खड़ा किया गया, और फिर जब टाइम 9 बजे से ज़्यादा हो गया तो उनको अंदर जाने में वो प्रॉब्लम कर रहे थे, और कई स्टूडेंट्स बहुत दूर से आए थे तो उन्हें बैग वगैरह रखने के लिए सेफ प्लेस नहीं दिया गया, उनका बैग सेंटर से बाहर फेंक दिया गया था, और बाहर फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर इस तरीके का बिहेव स्टूडेंट्स के साथ होता है तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम कमेटी है उसको सोचना चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स जब हम फॉर्म भरते हैं तो जितनी भी फीस होती है हम वो सब उन्हें पे कर देते हैं, बट उसके बाद भी अगर कई सेंटर्स पर ऐसा होता है तो ये सोचने वाली बात है, और इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स पार्ट ए की, तो दिस टाइम पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन में सिर्फ वो क्वेश्चन इफेक्ट जान लेंगे जो इजी थे और जिनको सब सही करके आए। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत एक्यूरेट रहना है, जैसे कि मैं बात करूं कि एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इसका इक्वल दिया हुआ था, तो ये इजी क्वेश्चन थे। तो यानी कि अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन भी पार्ट ए में सही करके आए हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, बट अगर आप 5 या 6 से कम करके आए हो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये मेरा एनालिसिस था। थैंक यू फ्रेंड्स।